चाय चीज सब मिल रहा है यार। वो मैं बिल्कुल घर में गुस्सा नहीं करती। अच्छा सब सब ओहो मेरी माँ पूरी ब्लॉगर बन गई है। चलो गाइस स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी काम वाम करके आ चुके हैं, थोड़ा ऑफिस का काम था वो निपटा दिया है, बैठ चुके हैं घर पे। और उसके बाद मेरी माँ सुन रही है भाप मस्त गाने, पूजा यहाँ बैठी है। हेलो कर दीजिए सबको। हेलो गाइस। तो आज का ब्लॉग थोड़ा हटके करने की सोच रहा हूँ मैं, आज करने की सोच रहा हूँ प्रैंक मम्मी पे। तो मम्मी को आज मैं थोड़ी छोटी बात पर गुस्सा लाने वाला, हर छोटी बात पर मम्मी को गुस्सा लाएंगे और देखेंगे मम्मी का रिएक्शन। पिटाई शायद हो सकती है पर रिएक्शन देखने में बड़ा मजा आने वाला आप सब लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं मम्मी के पास, अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे सब बर्तन धुले जा रहे हैं। साग क्या बनाने तो कहाँ रखे हैं? आपने रखे हैं सारे बर्तन? अरे गाना कौन सा गाई थी? गाना कौन सा गाई थी? अभी कौन सा गाना है? डाटे पे गाना गा तो दीजिए। हमारे साथ गाने से गा सकते गाना गाना गा गाना गा बर्तन जूठे रहते हैं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दादी बर्तन जूठे नहीं, इंसान खाना खाएगा 10 मिनट 15 मिनट जूठे तो रहेंगे। क्यों रहेंगे? तुरंत मजा आओ, पहले बर्तन धो दो उसके बाद ऐसे करो। पता नहीं आज चल के लोग बर्तन धोने का नाम हो गया। बर्तन धो साफ करके जूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए, सिंक साफ होनी चाहिए। काम करते करते खाना बनाते बनाते साफ कर लो। तो भाई जाने की बात कर रहा था ना यार, ये चल रहे गाने इनके। क्या हाँ चाय पी लेंगे? हाँ पी लेंगे, तुम बनाओ तो। अच्छा एक बात बताओ, आर ओ लगा रहा पर तुम पानी से ही ले रहे टंकी से? क्यों? अच्छा गाना नहीं, तू गाना गा रही थी अभी बाहर पे, वो तो बता दे कौन सा गाए थे अभी। गाना गाए थे तुम बाहर पे, कौन सा गाए थे? हैं अभी गा तो रहे थे बाहर पे। अरे वीडियो बनाऊंगा ना मैं, गाना कौन सा गाए थे तो बता दे, जो वायरल कर दूंगा तुम। सही बोल रहा? फिर लोग कहेंगे आंटी एक बार गाना गा के दिखा दो प्लीज। सही मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बोल रहा, वायरल हो जाओगे अब एक बार में, इतना अच्छा गाना गाते हो आप। गा कौन सा देती है तो बता दे। मन तो कर रहा बस बोल नहीं थी कैमरे के सामने, बता दे गाने कौन सा गाते। जहाँ से सामान निकालो वही सामान रखो। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा की बात यार मेरे को ना पसंद नहीं है। अच्छा बोला तेरा ब्लॉग बना रहा मैं आज, यही अपलोड करूंगा। अरे सही में मजाक नहीं, तेरा ब्लॉग अपलोड करेंगे। ये बाबा जी चल रहे हैं मेरी माँ के। अच्छा हेलो गाइस कर दो सबको, बोल बोल हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सही में ब्लॉग बना रहा मजाक नहीं कर रहा, हेलो गाइस तो कर दो, बोल हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हाँ बोलना, मैं गुस्सा नहीं करती घर पे बिल्कुल भी, बोल तो एक बार। हम क्या तंग करते हैं? अच्छा ये तो बोल, एक बार गाना तो बता दे कौन सा गा रही थी, एक बार प्यार से बता दे कौन सा गाना। श्याम नाम वाला नहीं गा रही थी, कौन सा करती जो बाहर चल रहा हो? अच्छा एक बार मैं वायरल कर दूं मजाक नहीं। क्यों कर दे राज? अरे बढ़िया वाला है थोड़ा सा सुना ली, अब बस बता दो दिमाग। मैं कोई गाना भी नहीं गा रही, मैं कह रहा हूं गाना नहीं का बता दो। बता देना प्लीज, देख सबके अभी कमेंट आने लग जाएंगे सबके सबके। हाँ हाँ क्या आंटी को एक बार बोल दो दोबारा गाना गाने के लिए, वीडियो बना दो गाने का, क्या पता हम वीडियो निकाल देते थे गाने का। तो बता तो देख बार। मम्मी सुना दी थी कैमरे के आगे गाइस, और ये इंसान यहाँ बैठ के देखना फोन चला रहे। ओ हेलो क्या फोन चला रहे? वीडियो देख रही थी। काम कर लो किचन में जाके थोड़ा, मम्मी क्या बोल रही?
हैं, तुम्ही को बोल रहा हूँ थोड़े से फुर फुर मुझे बोल रही है क्या? फुर मुझे अभी गा रही थी माँ, देख तू दोबारा गा रही थी, तू बता नहीं कैमरे में नहीं गा रही तू क्या? वो तो आ रहा क्या? वो है ना यहाँ पे बाबा जी हैं ना ये, हाँ आ क्या रहता है तो बताओ, बाबा जी की आवाज में तो हमें सुन रखा, तुम्हारी आवाज सुन रहा है, सुरीली तो तुम्हारी है ना, बोल तो दे, गए जो थोड़ा थोड़ा करके ना जो मुंह बन रहा है ना पारा चढ़ने लग गया है, अभी कभी भी हाथ उठ इधर की तरफ आ सकता है इसलिए थोड़ा बसते बसते हम इधर आएंगे, चलो चाय बन गई, अरे चाय लेके आ जाओ, उधर ही आ जाओ, आ जाओ ना, हाँ भाई अभी अभी फोन फेंका था ना मैंने, क्या लगे फोन में, तुमने हेलो भी बोला सबको, किसको क्या, मुझे भी नहीं बोला, प्रणाम पैर भी नहीं छुए, देखो पैर छू, पति के पैर छूने चाहिए सुबह सुबह, देखो अबे छूने के लिए बोला, मारने के लिए नहीं बोला, ओए बांदर पैर छूने के लिए बोला, मारने के लिए नहीं बोला, अच्छा ए माँ देख सुबह सुबह पति के पैर छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए, पति के पैर छूए या खुद के, तो ओए झूठी मार, चाय आ गया गाइस, मस्त लेटे लेटे चाय चीज सब मिल रहा है यार मजे है ना, मस्त मजे, इंजॉय तो ऐसे बोलते ना इंजॉय करना, मैं किचन में जाती हूँ मैं पे चिल्लाती तू किचन में क्यों आई, तुझे हजार बार मना कर रखा है, मैं यहाँ बैठू तुम्हें चिल्लाती है तू किचन में क्यों नहीं जाती है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बीच में लटक जाऊंगा बीच में तुम एक काम करो बाहर वाले उस वाले बेड में बैठ जाया करो, वो किचन और इस रूम के बीच में है वो, नहीं वैसे मम्मी बैठने के लिए मना नहीं करती है, जब तुम मेरे साथ बैठते हो ना तब मम्मी चिल्लाती है, तो मैं क्या मैं तो आधे टाइम में लैपटॉप में लगा रहता हूँ, कभी कभी बीच में ब्लॉग बनाने के लिए टाइम मिल जाता है मुझे, दो पाँच मिनट अकेले रेस्ट करूँ आराम से, तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं नहीं, मतलब मैं डिस्टर्ब करता हूँ तुमको, मतलब आपको लग रहा है इतना प्यारा सा सुंदर सा, हाँ प्यार मतलब आपको लग रहा है इतना हैंडसम सा बंदा, हैंडसम पे मत बोलो, मैं बताती हूँ ना क्या है, बताओ हमा आ गया, पहले तुम बताओ G4, आप पूरा नहीं बताऊंगी अभी, G4 एक जानवर का नाम होता है, कमेंट करके सोच लो क्या होता है, क्या बोल रहे हो, ये मेरी माँ ने पूरी खेती करके रखी है यहाँ पे, ये देखो चचिंडे की बेल यहाँ पे है, हाँ मैं इस समय चाय का आनंद ले रही हूँ, मेरी माँ पूरी ब्लॉगर बन गई है, अच्छा क्या बोली इस समय, क्या अच्छा, और उधर क्या करी थी, उधर भी तो करी थी कुछ, गाइस इधर भी कुछ हो रहा था, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक तो यार ये सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे, हमारे यहाँ गमलो क्या जो भी मिल जाए हम हर जगह लगा लेते हैं, क्योंकि छोड़ना नहीं है, तो गाइस यहाँ देखो मेरी माँ ने टमाटर लगा रखे हैं, ये लौकी की बेल आ गई यहाँ पे, ये चचिंडे की बेल आ गई, इसमें ना तोरी भी इसी के साथ साथ, और चचिंडी के साथ साथ तोरी भी चल रही है, घर की सारी सब्जी है, ये भिंडी है गाइस, भिंडी आ गई है, ये देखो गाइस भिंडी भी आ गई है, और यहाँ पे हमारे ये क्या है, अभी ये तोरी भी आ गई ना, फिर तोरी भी आ गई, और क्या है टमाटर तो हमारे आई है, भाई आधे से ज्यादा सब्जी तो हमारी घर की यहाँ पे रेडी है, मेरे बेटे इतना काम करते ना, मेरी माँ इतना काम करती है ना, और बाद में टोट मारने के लिए हमारे, और ये गाइस हमारा पुदीना, तो गाइस मेरी मम्मी अब सारा कर रुके, बाद में हमें टोट मारती है, हाँ कर लिया तुमने, हाँ तुलसी के पेड़ जो थोड़े थोड़े सूख रहे हैं, ऐसे क्यों ये हरे हैं, ये पहले तो ज्यादा हरे थे ना, अभी आलू जैसा होता है जो ना, मैंने खाया है, इतना सारा तो निकला था, ये जमीन के नीचे होता है वो वाला है ना, जमीन के नीचे होता, लेकिन गमले में इतना ही आएगा ये बाहर, हाँ तीन साल में, तो गाइस यहाँ पे हमने ज्यादातर सारी सब्जियां लगा के रखी हैं,
तो भिंडी से लेके तोरी, लाल मिर्च भी है। अच्छा मिर्च का पेड़ कहाँ गया वो? ये तो है। कहाँ पे? मिर्च का पेड़ नहीं, मिर्च। अच्छा ये था ना, नहीं नहीं एक दूसरा बड़ा वाला भी, इससे बड़ा भी था ना यहाँ, वो यहाँ पे रखा होता है। हाँ तो ये मिर्च का पेड़ यहाँ पे है। पिछले साल ज़्यादा मिर्च लगी थी ना हम पे। कोई नहीं कोई नहीं। और ये यहाँ है इस फूल का नाम, यार इसका नाम तो मुझे, ये फैलता है ना पूरे उसमें गमले में। हाँ तो ये वाला हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये वाला ही है। ये ना अभी फैला नहीं है पूरे गमले में, यहाँ से लेके पूरा फैल जाएगा मस्त वाला। और कुछ गमले यहाँ पे लगा के रखे हैं, कुछ गमले इधर हैं और कुछ इधर। अभी यहाँ पे जो खाली खाली स्पेस है वहाँ पे अभी और गमले आएंगे। और छोटे छोटे गमले तो हमने बहुत रखे हुए हैं, देखो छोटे छोटे जो मिलता है, जो खाली होता है ना उसमें कुछ ना कुछ लगा देते हैं, वेस्ट नहीं करना। और ये है आर्ट, और आर्टिस्ट हमारे यहाँ पे हैं। ये आर्टिस्ट है हमारे। ये हमारे तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक ले बाय, लास्ट में बाय कर दो जरा सबको। ऐसे नहीं हंस के, एक बार जल्दी 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 बाय हो रहा है, एक बार हंस के बाय कर दो जरा सबको, बोलो बाय गाइज, बाय गाइज, बाय गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ।